डेट ऑफ इंसिडेंट 4 और 5 तारीख की रात को कुछ लोग स्टेडियम में आते हैं, जो हमने अभी कोर्ट को बताया कि एक पीसीआर कॉल होती है, पीसीआर में कहते हैं कि कोई हवाई फायर हुआ छतर स्टेडियम में, 2 लोग चला रहे हैं, पीसीआर आती है 3 लोग वहाँ पर इंजर्ड होते हैं, सोनू एन डिजीज जिसकी डेथ हो गई हो, वो वहाँ से मौके पर पीसीआर चले जाते हैं, तो कहीं पर भी 3 आदमी हैं, उन्होंने किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि सुशील कुमार ने या उनके दोस्तों ने मारा, जबकि होश में थे वो। हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद भी एमएलसी होती है, एमएलसी के अंदर डॉक्टर पूछता है कि चोट कैसे लगी, किसने मारा, उसमें भी इन्होंने किसी भी, इनफैक्ट सुशील कुमार जी का कहीं पे नाम नहीं लिया। पुलिस 7 घंटे डिले एफआईआर लॉज करती है, इससे पुलिस की इंटेंशन जाहिर होती है। देश जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो 1 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन से, दिल्ली पुलिस जो पुलिस थाना है उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और उन्होंने पुलिस स्टेशन ने एफआईआर लॉज करने में 7 घंटे डिले किया। उस टाइम 308 सेक्शन, सिर में चोट लगने वजह से एफआईआर लॉज होती है। 6-7 घंटे बाद ये किडनैपिंग 365 और 302 की एफआईआर लॉज करते हैं। मेरा यही क्वेश्चन कोर्ट के अंदर था कि जिसे वो इंसिडेंट हुआ है, डीजी जिसके चोट लगी, उन्होंने पुलिस वालों ने जो पीसीआर की, उन्होंने किसी ने ये नहीं बताया कि सुशील कुमार जी ने मारा या सुशील कुमार जी के साथियों ने मारा। हमने कोर्ट को सेटिस्फाई ये किया कि जो भी ग्रुप था, जो जिनके चोट लगे, इन 2 ग्रुपों का झगड़ा था स्टेडियम में, सुशील कुमार जी खाली उसको समझौता कराने के लिए, झगड़ा को ख़त्म करने के लिए उनके इन्वॉल्व हुए थे। दिल्ली पुलिस का बार बार एक स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ये पहले शालीमार बाग गया, मॉडल टाउन गया, 1 CCTV फुटेज दिल्ली पुलिस ये दिखा रहे कि सुशील जी वहाँ पर कहीं गए हैं, 1 वीडियो रिकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में खाली है कि सुशील कुमार जी किसी को छुटवा रहे हैं, या पुलिस उसको क्यों नहीं दिखाती मीडिया को? मीडिया पर्सन को तो दिखा सकती है कम से कम आके कि सुशील कुमार जी उसमें मार रहे नहीं मार रहे। तो हमने कोर्ट को अप्रोच किया पुलिस रिमांड के लिए, अब ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी CBSE बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आकलन करेंगे, जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए, हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी, हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए, अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए, अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी सबसे, मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें।
कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं, कितने बेड जरूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है, ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो जो कुछ हमने पिछले एक महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे, अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे 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 कुछ 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 गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक, एक हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। पहली जून से हम लोगों ने व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 1,00,000 से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोग, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। पहली जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं।
On behalf of Indian Medical Association, we thank our Honorable Health Minister Ji, Dr. Harshvardhan Ji, for understanding the anguish and pain which has created among the medical fraternity, asking Baba Ramdev Ji to withdraw the statements he has made against the modern medicine. Thank you for saluting the modern medical contribution to the healthcare of our country. I'm sure that let us respect each other's system of medicine, and this is not the time for us to find fault with each other. This is the time for us to strive hard with the unity, cohesion and coordination for the welfare of our community and welfare of our country. Indian Medical University Association is always willing to handhold with the Government of India in all their good measures and all their innovative things in propagating the awareness on the COVID appropriate behaviors and also treating the doctors in the front line. That is why, even though they may know this is a very contagious disease, 1,200 of our people have stood firm in the front line and sacrificed their life. And this is in response to the demand of Indian Medical Association and all the good learned colleagues of this country and various other the gentlemen. The government, the ministry has taken the right action. I'm sure this will ensure a smooth and a coordinated functioning in the days to come. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.